अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवाबुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो संघं नमामि। साधु साधु साधु। तथागत भगवान बुद्ध होने के बाद गांव नगर शहर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म की प्रचार प्रसार किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने बहुत ही उपयोगी अच्छे अच्छे उपदेश दिए। तो ऐसे ही उपदेश देते समय भगवान बुद्ध एक समय एक गांव में पहुंचे। जब तथागत भगवान बुद्ध गांव में पहुंचे ये खबर लोगों तक पहुंचे तो बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। कोई तो बुद्ध देखने के लिए, कोई तो बुद्ध की उपदेश सुनने के लिए, कोई तो मन में अनेक तरह से जिज्ञासा है, अनेक तरह से प्रश्न है, उसकी समाधान करने के लिए। तो देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने तथागत बुद्ध से प्रश्न किया, वो भगवान ये गांव में अनेक तरह के धर्म गुरु आके अपनी अपनी धर्म के प्रचार करते हैं, अपनी अपनी धर्म के विषय में बोलते हैं, और हर धर्म यही बोलते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म उत्तम है, हमारी शरण आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानरक में जाओगे। हो भगवान, हमने तो ये धर्म भी सुना है, वो धर्म भी सुना है, इस धर्म को भी सुना है, उस धर्म को भी सुना है, ऐसा भी सुना है, वैसा भी सुना है, तो हम कंफ्यूज हो गए कि वास्तव में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म उत्तम है। तब तथागत भगवान बुद्ध ने ऐसे ही जवाब नहीं दिया कि ये जो धर्म है ये श्रेष्ठ है, ये उत्तम है, ये धर्म है ये वाहियात है, गलत है। और ऐसे भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मैं जो धम्म देशना देता हूँ, मैं जो धम्म की बातें बताता हूँ वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म उत्तम है, मेरे शरण में आओगे तो निर्वाण प्राप्त करोगे, अन्यथा तुम लोग भी दुर्गति जाओगे। तथागत बुद्ध ने इस तरह भी जवाब नहीं दिया। बुद्ध कहते हैं, हे उपासक उपासिका, ये धम्म श्रेष्ठ, ये धम्म उत्तम, ये धर्म गलत, ये वो मूल्यांकन करने की बजाय केवल दो चीजें देखो, दो बातें। जिस धम्म में ये दो बातें अच्छी तरह से बताए हो, अच्छी तरह से दिखाए हो, तो वह धम्म श्रेष्ठ है, वह धम्म उत्तम है। केवल दो चीज। वो दो चीज क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख और दुखमुक्ति। जिस धम्म में दुख को अच्छी तरह से बताया गया हो, अच्छी तरह से समझाया गया हो, और उस दुख से मुक्त होने की राह भी दिखाया गया हो, तो वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म उत्तम है। तथागत बुद्ध ने दुख भी अच्छी तरह से बताया है, दुख का कारण भी बताया है, दुख मुक्त अवस्था निर्वाण भी बताया है, और निर्वाण पहुंचने की रास्ता भी बताया गया है। सार।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।